नमस्कार दोस्तों, प्लान पेरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपा और आज मैं आई हूँ फ्लावर शो देखने के लिए, जो कि लोअर असम बोंगाईगांव और धालीगांव के टाउनशिप एरिया में ये हुई है। दोस्तों ये जगह दूर है, करीब हमारे कोकराझार से 41 किलोमीटर्स की ये डिस्टेंस में धालीगांव पड़ती है। और आज हम देखेंगे कि फ्लावर शो में हमें कौन कौन से फूल देखने के लिए मिलती है और हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले हम आ गए हैं इस तरफ, ये एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं एंट्रेंस इतनी प्यारी सजाई हुई है, इतनी प्यारी। इसमें लिखी हुई है 14th फ्लावर शो 2024 और ये जो गेट बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। ये बेम्बू की गेट बनाई है, आप चेक कीजिए दोस्तों। और इस तरह से यहाँ एंट्री होती है और रखी हुई है एसएमएस की, ये होराई इस तरफ और बिहू का मूसा। और इस तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और हमें मिलती है फ्लैक्स, जो जिसमें लिखी है 14 फ्लावर शो। आगे बढ़ते हैं और इस तरफ कुछ स्टेज सजाई हुई है, शायद से इनमें कुछ फंक्शंस वगैरह होती होंगी रात को। तो इस तरफ हम आते तो ये है मेन एंट्री जो फ्लावर शो की तरफ जाती है। और ये देखिए काफ़ी प्यारी ये सजाई हुई है और बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हमें अभी से दिखाई दे रहे। आप चेक कीजिए, गेट को भी कुछ इस तरह से सजाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे। और यहाँ हम एंटर करते हैं इस तरह से, बहुत प्यारी, आप देखिए चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं, चारों तरफ कितनी प्यारी ये सजाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि मैं फूलों की जन्नत में आ गई हूँ, मैं हेवन में आ गई हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, स्पेशली ये किसी प्लांट लवर या किसी फूल लवर के लिए ये तो मानो जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। तो आप चेक कीजिए इस तरफ रोज़ेस की वैरायटीज़ हम देख सकते हैं, इस तरफ डायंथस भी लगे हुए हैं पॉट्स में और सालविया के प्लांट्स लगी हुई है, मैरीगोल्ड के प्लांट्स लगी हुई है। ये एरिया जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरफ से हम अगर जाते हैं तो इस तरह की हमें दिखाई पड़ती है, इस तरफ सालविया लगी हुई है और जो कॉर्नर में हेजेस लगे हुए हैं प्लांट्स की, फॉलीएज की हेजेस लगी है। और इस तरफ आते हैं यहाँ पे पिटूनियास की प्लांट है, चारों तरफ इन्होंने बहुत खूबसूरती सजाया हुआ है। सारी प्लांट्स, सारे फूल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे तो इसमें सारे फूल दिखाई दे रही है। मेरी गोल्ड है इसमें, इसमें विंटर की जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, सारी फ्लावरिंग प्लांट्स हमें इस फ्लावर शो में दिखाई दी है। इस तरफ लगी हुई है डायंथस, इम्पेशियंस और रोजेस की इस तरफ लगाई हुई है। ये एरिया काफ़ी बड़ा है और इसे बहुत टाइम लगा हमें घूमने में, एक एक फूल को मैं बारीकी से देख रही थी। और ये देखिए गुलाब के फूल मुझे इस तरह दिखाई दे, बहुत प्यारी लग रही है। और देखिए आप चेक करते जाइए दोस्तों और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस तरफ देखिए दोस्तों, ये है प्लॉक्स की जो प्लांट्स है वो यहाँ पे इकट्ठा लगाई हुई है, बहुत प्यारी लगती है। किसी भी विंटर फ्लावर्स को अगर हम इकट्ठा लगाते हैं वो बहुत ही प्यारी, और इनकी जो रूप है वो और भी निखर के आती है, इनकी खूबसूरती निखर के आती है। ये धालिया है, इसमें धालिया की सारी कलेक्शंस हमें दिखाई दी, वैरायटीज की कलर्स में धालिया
और डालिया की खूबसूरती को एंजॉय कर रही थी मैं इस तरह से, बहुत प्यारी कलर्स की ये डालिया, आप चेक कीजिए। दोस्तों ये वाली सेक्शन में हम देख सकते हैं प्लांटर्स की जो स्टैंड है उनमें इन प्लांट्स को रखी हुई है, और इस तरफ अलग अलग स्टैंड्स में इन फ्लावर पॉट्स को रखी हुई है। बहुत प्यारी लग रही है, आप चेक कीजिए। इनमें सारी फॉलिएज प्लांट्स भी कुछ कुछ है, और इनमें सिंगोनियम है, इनमें पिटूनिया है, इनमें बिगोनियास है, सारे फ्लावर्स पैंसीज वगैरह सब रखी हुई है इस तरफ, आप चेक कीजिए। और दोस्तों इस तरफ जो सेक्शन है वो टेंट के अंडर वाली सेक्शन है, इसमें से शायद कुछ कंपटीशन वगैरह हुई थी इनमें। देखिए इनमें बहुत ही प्यारी रोज़ेस की, ये वाली रोज़ की जो डेकोरेशन है मुझे बहुत प्यारी लगी है, और इनमें से बाकी जो कट फ्लावर्स में यूज होने वाली फ्लावर्स है, लिलियम हो गया, इसमें से क्राइसेंथेमम्स और बाकी सारी प्लांट्स की यहाँ पे बहुत सारी बुके और वैसेस में इस तरह लगाई हुई थी, बहुत प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत है। और इनमें से कुछ फूलों से चीज़ें बनाती हुई हमें दिखाई दी, और ये है इंडियन की फ्लैग जो बहुत ही प्यारी सजाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इस तरफ हम देख सकते हैं किस तरह से ये हार बनाए गए हैं फूलों से, बहुत प्यारी लग रही थी। इनमें कुछ कट फ्लावर्स की डेकोरेशन हमें मिलती है, हमें बुकेज देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बुकेज बनाई हुई थी। और इस तरफ पिटूनिया के सारी प्लांट्स दिखाई दे रही है, देखिए आप रंग बिरंगी पिटूनियास इस तरफ लगाई हुई है। और फ्लावर शो को घूमते घूमते दोस्तों काफी देर हो चुकी थी, और इस तरह शाम भी ढल चुकी थी, आप चेक कीजिए। अभी ये फाउंटेन बहुत प्यारी लग रही है, और शाम के टाइम में भी इसकी जो रौनक है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लाइटों के साथ ये चमक रही थी, और ये बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे आके। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ, किसी फूलों की बीच में मैं आ गई हूँ, मेरा मन बहुत खुश हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे, सारी चीज़ों को मैंने घूम लिया था, ठीक से मैंने देख लिया है, बहुत प्यारी लगी है। और यहाँ से मेरा जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था दोस्तों, मन कर रहा था कि मैं यहीं पे रह जाऊँ, फूलों के बीच में मैं रह जाऊँ, बट मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से तो। और अभी मैं निकल रही हूँ, हम लोग अभी वापस जाने वाले हैं, शाम का टाइम हो गया है तो हम लोग वापस आ गए हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस इतना ही था, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।